अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप फाइव न्यूज़, दुनिया की पांच बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज आप हमारे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं, तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200-500 हज़ार जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए ना दिन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त गजा फलस्तीन से ही आ रही है। जी हां, इजरायली आतंकवाद को पूरी दुनिया देख रही है और जो दुनिया का सुपर पावर अपने आप को कहता है ह्यूमन राइट्स की और हुकूक इंसानी की बात करता है, यानी अमेरिका, अमेरिका खुद सबसे बड़ा आतंकवादी इस वक्त बना हुआ है। इस वक्त खबर आ रही है कि गजा में अमेरिका की फौज का, जी हां, यानी इसराइल अपनी नाजायज बाप की फौज का इंतजार कर रहा है, अमेरिका की फौज और आ जाएगी तो फिर जमीनी हमला कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल अमेरिकी फौजी कुमक आने तक जमीनी हमला मुअख्खर कर दिया गया है। और खबरें आ रही है कि इसराइल का नंगा नाच गजा में 24 घंटों में तकरीबन 436 मासूम शहरी बच्चे बूढ़े शहीद हुए और इसराइली आतंकवाद का निशाना बनकर तकरीबन 600 खानदान जमीन से खत्म हो गए, मिट गए। कब्रिस्तानों का हाल यह है कि दफन होने की जगह नहीं है, अस्पतालों की हालत भी बड़ी बुरी है, इलाज के जितने भी हॉस्पिटल है, मराकज है, वो सब बंद हो रहे हैं। वहीं पर रिफा गुजरगा से दूसरा इमदादी काफिला गुज़िश्ता कल गजा में दाखिल हो गया। शिमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग ने भी मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत के लिए अमरीका और इसराइल के खिलाफ तमाम दुनिया से मुत्तहिद होने की अपील की, क्योंकि अब अमेरिका और इसराइल, ये अमेरिका जो अपने आप को बहुत शरीफ बताता है, सबसे बड़ा आतंकवादी यही है और इसराइल का नाजायज बाप भी यही है, फौज पहुंचाने वाला, हथियार देने वाला, पूरी आग लगाने वाला, मासूमों को शहीद करने वाला अमेरिका ही है असल। तो इसलिए शिमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग ने तमाम दुनिया से अपील की है कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, वरना इसराइल और अमेरिका पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बनेगा। अगला दिन पड़ोसी मुल्क इस्लामाबाद से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस्लामाबाद में यानी पाकिस्तान में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत कायम खसूसी अदालत ने साबिक वजीर आजम व चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, इन दोनों के खिलाफ साइफर केस में फर्द जुर्म कोर्ट ने आयद कर दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुलकरनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की सुनवाई की, समाअत की और फर्द जुर्म आयद कर दी। हालांकि इमरान खान ने फर्द जुर्म के सही होने से इनकार करते हुए यह मौकफ इख्तियार कर किया और कहा कि यह झूठा, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी केस है, इसमें मैं बेगुनाही साबित कर
करके रहूंगा। साबिक वजीर खारिजा और पी टी आई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी फर्द जुर्म की सेहत से सही होने से इनकार किया है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 27 अक्टूबर को सरकारी गवाहों को भी तलब कर लिया है। वो कला सफाई ने फर्द जुर्म कार्रवाई रोकने की दरखास्त दायर की थी, जबकि प्रोसिक्यूटर ने दरखास्त की मुखालफत की। खैर, मामला जो भी है बहुत जल्द सामने आएगा। आपका पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कॉन्टैक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि हॉलीवुड की 95 फेमस पर्सनलिटीज, हॉलीवुड की 95 मशहूर शख्सियात ने अमेरिका के सदर जो बाइडन को खत लिखकर ये अपील की कि इजराइल और फलस्तीन के तशद्दुद को रोकने में तआवुन करें। अब जाहिर बात है कि ये तो हंसी वाली खबर है। सबसे बड़ा आतंकवादी नाजायज बाप बनकर बैठा है, हथियार दे रहा है, सब कुछ कर रहा है अमरीका। जी हाँ, और अमेरिका से आप कह रहे हैं कि इजराइल और फलस्तीन में होने वाले तशद्दुद को रोके, तो लोग हंस भी रहे इस खबर पर, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल सही आदमी को इन्होंने खत लिखा है ताकि उस बेशरम बेगैरत जो बाइडन को ये पता चले कि दुनिया समझ रही है कि मैं असल में आतंकवादी हूँ। दुनिया देख रही है कि इसराइल में आतंक फैलाना ये मेरे हाथ में है और मैं ही फैला रहा हूँ, मैं ही हथियार दे रहा हूँ। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉलीवुड की शख्सियात ने सही आदमी को यानी अमेरिका के सदर जो बाइडन को खत लिखकर इजराइल फलस्तीन तशद्दुद रोकने में तआवुन करने की अपील की है तो सही काम किया है। खैर, फिलहाल इस वक्त अमेरिका और इजराइल ने जो आतंकवाद का नंगा नाच खेला है वो बहुत ही खतरनाक है और पूरी दुनिया में अब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ माहौल बन रहा है। खबर आ रही है कि बेल्जियम में इजरायली अमरीकी आतंकवाद के खिलाफ यूरोपीय ब्यूरोक्रेसी दफ्तर के सामने भी जोरदार आंदोलन मुजाहरा हुआ है और अमेरिका इजराइल की जारियत के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है, अभी कांटेक्ट। आइरादिन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमास इसराइल जंग और वार को लेकर यह खबर आ रही है और अब लोग ये समझने लगे हैं और कह रहे हैं, तमाम दानिश्वर और मुफक्किरीन ये कह रहे हैं कि हमास इसराइल जंग अगर फैली तो फिर खित्ते भर में अमरीकी फौजी और शहरी भी खतरे में होंगे। अमरीका इसराइल और फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुपों के दरमियान जंग में फैलाव को खित्ते में अपने फौजियों के लिए खतरा समझता है। अमरीकी हुकाम के नज़दीक अगर जारी जंग में इजाफा हुआ तो अमरीकी फौज पर मशरक वस्ती में हमले हो सकते हैं। ये बात खुद अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन और अमरीकी वजीर दिफा ने इतवार के रोज कही है। उनका कहना है कि अमरीका नहीं चाहता कि मशरक वस्ती में यह जंग फैलकर आगे बढ़ती जाए। दोनों अमरीकी वजरा 7 अक्टूबर के बाद इसराइल का दौरा कर चुके हैं, जबकि वजीर दिफा से मुतालिक दो बड़े और जदीद तरीन तैयारा बरदार बहरी बेड़े भी इसराइल के तहफ्फुज़ के लिए भिजवाए जा चुके हैं। तब अगर अमरीका नहीं चाहता कि अमरीकी फौजी और अमरीकी शहरियों पर मशरक वस्ती में हमले हो और अमेरिका को खतरा महसूस हो रहा है, तो खुद अमेरिका ने अपने नाजायज बेटे इजराइल के सर पर से हाथ उठा लेना चाहिए। आखिरी बड़ी खबर भी गजा और हमास फलस्तीन इजराइल के हालात को लेकर ही आ रही है। बताया जा रहा है कि गजा पर इजरायली आतंकवादी हमले रोकने के तरीकों पर ईरान से हमास ने बातचीत की है। हमास ने इतवार की शाम एक बयान में ऐलान किया है कि उसके सियासी ब्यूरो के सरबरा इस्माइल हानिया ने ईरानी वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहयान से फोन पर बात की है, जिसमें उन्होंने इजरायली बमबारी में पेशरफ्त और गजा में जंग रोकने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। इजराइल हमास के जेर कंट्रोल गजा की पट्टी पर जमीनी हमले की तैयारी जारी रखे हुए हैं। ईरान, हमास और लिबनानी हिजबुल्ला ने अमरीका और इसराइल को खबरदार किया है कि हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। ईरानी वजीर खारिजा ने इतवार को इससे पहले कहा था कि अगर अमेरिका और इसराइल ने गजा में नस्ल कुशी बंद न की तो फिर तमाम इम्कानात हो सकते हैं, यानी हालात मजीद खराब हो सकते हैं। इतवार के रोज तेहरान के जुनूबी अफ्रीका के वजीर खारिजा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद उन्होंने ये भी कहा कि यह खत्ता
किसी भी गलत हिसाब किताब के संगीन नतीजे होंगे। अब्दुल्लयान ने अमेरिका और इसराइल को वार्निंग दी कि अगर गजा की पट्टी में जारी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद ना हुई तो मशरक वस्ता की सूरत हाल काबू से बाहर आ सकती है।